हाय डियर टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू नो कि मेरे रिलेशनशिप और लव रीडिंग्स में अक्टूबर 2020 में क्या आएगा, क्योंकि मैं खुद एक टॉरस हूँ। और एंड लेट्स सी, मैं आपके कार्ड शफल कर लेती हूँ, तब तक मैं आपसे थोड़ी बात कर लेती हूँ। सो देखिए, रिलेशनशिप रीडिंग्स का मतलब होता है कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, यू हैव अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड और समथिंग लाइक दैट। समटाइम इट इज कॉम्प्लिकेटेड, समटाइम्स यू आर सिंगल, समटाइम्स यू आर मैरिड। तो आप एक बार देख लीजिएगा, रेजोनेट करती हैं कई लोगों से, कई लोगों से नहीं करती हैं। और जिनसे रेजोनेट करती हैं वो प्लीज़ उसको एंड तक देखिएगा, ताकि आपको गाइडेंस भी मिले, ताकि आपको पता रहे कि आगे आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो दिस इज द लव रीडिंग, द रिलेशनशिप रीडिंग फॉर रेस्ट ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर। लेट्स सी टॉरस क्या है हम लोगों के लिए स्टोर में। ओके, सो दिस इज योर एनर्जी, यू व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। दिस इज योर पार्टनर्स एनर्जी, what your partner is feeling right now, and this is the outcome. Okay, Taurus. Oh, Taurus. Okay. Fine. So, Taurus. Okay. जो आपकी एनर्जी आ रही है उसके हिसाब से यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम योर पार्टनर और सिचुएशन और एनी काइंड ऑफ लव रिलेशनशिप राइट नाउ। आप उस मोड में ही नहीं है, मुझे लगता है इस मंथ में आप इस जोन में ही नहीं है कि आपकी लाइफ में आपको प्यार चाहिए या आपको कोई रिलेशनशिप चाहिए। आपको बंधा बंधा महसूस होता है इन चीज़ों से, और आपको लगता है कि आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस चेन। ओके, दिस इज योर करंट एनर्जी, और आप बहुत स्ट्रेंथ से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही मतलब डायनेमिक होके, बहुत ही एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप मुझे लग रहा है कि ना, यू आर फोकस्ड ऑन योर यू नो योर ओन पर्सनल ग्रोथ, योर ओन पर्सनल डेवलपमेंट। कैन यू सी द रेज कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब ऑन माई हेड? एंड येस, दिस इज द टॉरस एनर्जी राइट नाउ, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड। सो येस, सो वी गाइज आर मूविंग फॉरवर्ड, वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन आवर लाइफ राइट नाउ, एंड हम फोकस्ड हैं सिर्फ अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे, अपने फाइनेंशियल डेवलपमेंट पे, और हमारा फोकस जो है सारा का सारा एक चीज पे लग गया है। सो देखिए टॉरस, मैं आपको कार्ड्स भी दिखाना चाहूंगी। ये वाले कार्ड्स जो हमारे आए हैं, दिस इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ सिचुएशन, एंड दिस इज फोकस्ड, एंड यू नो वॉकिंग विद करेज एंड स्ट्रेंथ, एंड दिस इज आवर एनर्जी, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये रिवर्स में दिख रहा होगा क्योंकि मेरा कैमरा मैंने ऐसे सेट किया हुआ है अभी। तो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आप इमेज तो देख ही पा रहे होंगे। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का ये है कि अपनी चीज़ों पे फोकस रहना, अपनी ही एनर्जी में मस्त रहना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ों में एक साथ बिजी होती है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना, बट शी इज स्टेबल माइंडेड, शी इज ओपन माइंडेड, शी नोज वट शी इज डूइंग। और अभी की करंट की एनर्जी आपकी टॉरस की मैं जो है ना वो पिक कर पा रही हूँ। तो ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए बराबर है, आप ये मत सोचिएगा कि मेल्स के लिए अलग होगा और फीमेल्स के लिए अलग होगा। तो अभी आप ऐसा फील कर रहे हैं टॉरस, एंड दिस इज योर करंट एनर्जी इन अक्टूबर 2020। और आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पार्टनर हैं जो आपके साथ ऑलरेडी होंगे, या जिनके बारे में आप सोचते होंगे, या जिनसे पास्ट में आपका रिलेशनशिप रहा होगा और अभी अप डाउन वाली सिचुएशन चल रही है, देखिए आप अपनी तरफ से ब्रेकअप कर चुके हैं, आप अपनी तरफ से फ्री हो चुके हैं, आप अपनी तरफ से इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को छोड़ चुके हैं। ओके, लेकिन उनको ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपके पार्टनर है, ये देखिए वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ज़्यादा उलझन में है, वो समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली हो क्या रहा है उनके साथ। एंड they are also trying to walk away from this situation. वो अभी बहुत confusion में है, वो अभी इस situation से भागना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं, उनको बड़ी problem हो रही है। See, उनको लग रहा है कि आप बहुत easily निकल जा रहे हैं, और आपने मतलब उनके साथ आपने कोई धोखेबाजी की है, कोई दगाबाजी की है। वो मुझे लग रहा है ना, ऐसा फील कर रहे हैं कि उनके साथ धोखेबाजी हो रही है, उनके साथ दगाबाजी हो रही है, वो बैकस्टैप फील कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं टॉरस, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है उनके साथ, ना ही आप कुछ गलत कर रहे हैं, ना ही उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। ये जस्ट करंट की एनर्जी होती है। इफ देयर इज समथिंग दैट इज एंडिंग, और एक बंदा उसी सिचुएशन में रहे, एक आगे निकलने की सोच ले या निकल जाए, तो दूसरे वाले बंदे को ऐसा फील होता ही है। आई अंडरस्टैंड, सी दिस इज द सिचुएशन। और ये जो मैं सिचुएशंस आपको बता रही हूँ ना, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी आपके साथ ये कर रहे हो,
दे आर वॉकिंग अवे फ्रॉम अ सिचुएशन, दे आर फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स, एंड आप अभी ये फील कर रहे हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके, कि मैं इतना मैंने टाइम वेस्ट किया, इतनी मैंने एनर्जी वेस्ट की इस चीज़ के लिए, लेकिन देर इज़ नो सोल्यूशन टू दिस थिंग. यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू वॉक अवे बट यू आर नॉट एबल टू वॉक अवे. यू आर फीलिंग लाइक कि आपके साथ यू नो धोखेबाजी होगी, दगाबाजी होगी, आप परेशान हैं, आप बहुत परेशान हैं, यू आर नॉट यू नो स्टेबल माइंडेड अभी राइट नाउ. बट द लॉन्ग टर्म आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन ऑफ दिस रिलेशनशिप इज द व्हील ऑफ फॉर्चून. द व्हील ऑफ फॉर्चून, सी देयर इज सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट. मुझे लगता है ना कि ब्रेकअप के बाद जो फ्रेंडशिप काइंड ऑफ थिंग हो जाती है ना लोगों में, अक्सर वो वाली चीज़ आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ होने वाली है. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ये सिचुएशन में आप लोगों की पार्टनरशिप दोबारा से वैसी बन पाएगी जैसी वो थी. और जैसा मैं देख पा रही हूँ, टॉरस लोग जो हैं, टॉरस लोग अभी ज़्यादा फोकस्ड अपने आप पे हैं, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे हैं, अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड है. और आप जो हैं अभी भी वहीं उलझे हुए हैं, जो आपके जो पार्टनर है ना टॉरस, जिनको भी आप यू नो जिनको भी छोड़ के आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो अभी परेशान हैं. वो स्टिल देखिए, उनको भी समझ आ रहा है कि दिस इज़ यू नो द एंड ऑफ दिस सिचुएशन, ओके. और उनको भी समझ आ रहा है कि उनको भी अब इस चीज़ से मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन उनको डिफ़िकल्टी हो रही है. एंड यू आर ऑन दैट फेज ऑफ लाइफ ना, कि आपको डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है, आप आराम से नीचे आप आराम से अपना आगे बढ़ते जा रहे हैं. आई एम सॉरी फॉर दिस, नीचे बढ़ते जा रहे हैं. तो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी लाइफ में. व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ लाइक सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी यू नो गुड इन द कमिंग यू नो एंड ऑफ अक्टूबर. सिचुएशन जो है ना आपकी धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी. देन सिचुएशन में आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड सिचुएशन में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स. तो आप लोगों को अपने काम पे और अपने यू नो पेंटिकल्स इज लाइक टू पैसा, फाइनेंशियल इश्यूज पे. और ये जो है ना, आपको रश नहीं करना डिसीजन में. आपको कोई भी डिसीजन आप लोगों को ना ऐसे एकदम अचानक से नहीं लेना है कि चलो ठीक है, अगर तुम नहीं कह रही हो, अगर तुम कह रहे हो तो हम ये सब कर लेते हैं, इसको भाड़ में जाने दो, जो होगा देखा जाएगा. वैसे वाले आपको सिचुएशन में नहीं रहना है. आपको सोच समझ के, ठंडे दिमाग से आपस में बात करके, आपस में सलाह करके इस चीज़ को यू नो एक सोल्यूशन पे आना है. एक पर्टिकुलर एक पक्का जो होता है ना कि ये सोल्यूशन है इस चीज़ का, उस पे आना है. रिकन्सिलेशन मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोगों का होने वाला है नियर फ्यूचर में. आप लोगों को अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पे, अपने काम पे, अपने करियर पे फोकस करना है आप दोनों को ही, बजाय कि ये जो आपका ये जो सिचुएशन अभी ये जो चल रहा है होस पोस सा, इस पर आप ध्यान दें. तो टॉरस, यू आर मूविंग ऑन वेरी वेरी ग्रेसफुली. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग विद एनीवन. दिस इज द यू नो chapter of life that is closing and a new chapter is you know coming to your life, not in romantic way, but yes, in this financial aspects in your life there is something very very good coming for you and for your partner. They are confused, they are feeling lost, they are feeling like unke sath kuch galat ho raha hai aur unko move on karne mein bahut pareshani ho rahi hai. But yes, aap sab kuch theek nahi kar sakte hain, that is their personal problem. Wo bhi dheere dheere theek ho jayenge. सो यस टॉरस, यू आर ऑन द राइट वे. व्हील ऑफ फॉर्चून इज लाइक डेस्टिनी आपका साथ दे रही है, यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है. राइट ऑफ सोर्सेज, कोई भी चीज़ जल्दबाजी में आपको नहीं करनी है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप हो, कोई भी आपको यू नो सोर्स इज लाइक आप कुछ ऐसे वर्ड्स बोल सकते हैं जो यू नो वर्ड्स हर्ट लाइक मोर देन यू नो एक्शंस. कि आपकी जो टंग है, आपने जो किसी को बोल दिया जो बहुत ज़्यादा चुभने वाली बात है, वो आपको नहीं कहनी है और थोड़ा सा शांति से काम लेना है. और नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक आप स्टेबिलिटी फील करेंगे इस मंथ के एंड तक अपनी लाइफ में. आपको लगेगा कि यस, स्टेबिलिटी इज फाइनली कमिंग. जो मैं चाहती थी, वो जो मैं चाहता था, वो धीरे धीरे हो रहा है. एंड यस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू. एंड टॉरस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, डोंट वरी. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, एंड सेंडिंग लव एंड हीलिंग्स टू यू गाइज. एंड नमस्ते, थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एज वेल. प्लीज डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन इफ दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विद यू. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस फंबलिंग थिंग. नर्वस एक्साइटमेंट में ऐसा हो जाता है मेरे साथ. सो या, सी यू, बाय, नमस्ते.